Good morning, students. So the next part of environmental appraisal is macro environment, mega environment, which includes the international environment of business, the significance of environmental appraisal in strategic management, and the issues. So after micro environment of the external factors, we are going to discuss the macro environment. This is also called the general environment of business, जो हर कंपनी के लिए ऑलमोस्ट सेम होता है जो उस पर्टिकुलर रीजन में वर्क कर रही है. सो फर्स्ट मैक्रो एनवायरमेंट इज डेमोग्राफिक फैक्टर. ओके, डेमोग्राफिक एनवायरमेंट स्टडीज ह्यूमन पॉपुलेशन विद रेफरेंस टू इट्स साइज, डेंसिटी, लिटरेसी रेट, सेक्स रेशियो, एज कंपोजिशन एक्सेट्रा. ये सब डेमोग्राफिक्स होती है जिसमें पॉपुलेशन की वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, लाइक द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, देन लिटरेसी रेट इन दैट पर्टिकुलर रीजन, व्हाट इज द एजुकेशनल बैकग्राउंड ऑफ पीपल, द मेल फीमेल जेंडर रेशियो, एज कंपोजिशन एक्सेट्रा. तो दैट इज इंक्लूडेड इन द डेमोग्राफिक्स ऑफ एनी बिजनेस एनवायरमेंट. Because it is important to study because the demand for goods and services, the quantity and the quality of production, distribution, etc. depends ultimately on the demography. क्योंकि जिस तरीके की demography होगी उसी तरीके की demand arise होगी goods and services की. Quantity भी obviously जो हमारी जो डिमांड है, जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है, क्वालिटी है, वो इसी पर डिपेंड करेगी. इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज उतने ही ज्यादा होंगे. ओके, सो अ रैपिडली ग्रोइंग पॉपुलेशन इंडिकेट्स ग्रोइंग डिमांड फॉर मोर प्रोडक्ट्स. इकोनॉमिक सेकेंड मैक्रो एनवायरमेंटल फैक्टर इज इकोनॉमिक फैक्टर. इकोनॉमिक फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द इकोनॉमिक एनवायरमेंट ऑफ अ बिजनेस विच इंक्लूड थ्री थिंग्स: इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक पॉलिसी एंड द इकोनॉमिक सिस्टम. ओके, बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट टू स्टडी बिकॉज इट अल्टीमेटली अफेक्ट द बिजनेस डायरेक्टली. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशंस. इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ अ बिजनेस इंक्लूड्स नेचर ऑफ इकोनॉमी, द स्टेज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम एक्सेट्रा. तो इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की किस स्टेज में है कंट्री जो है, वेदर द नेशन इज डेवलप्ड वन लाइक यूएसए, जापान, चाइना, और इट इज अ डेवलपिंग वन लाइक इंडिया अवर नेशन, और इट इज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री. सो इट डिपेंड्स ऑन दैट ऑल्सो द इकोनॉमिक एनवायरमेंट. Depends on such kind of economic condition. अब ये जो आपका economic development है again depend करेगा कि per capita income क्या है, per person जो average income है individuals की वो क्या है, national income क्या है, country का GDP rate, GNP rate, ये सब क्या है. These operate in market and influence the demand and supply of goods and services. And the second economic factor is the economic policies. Economic policies जो government frame करती है, like monetary policy है, fiscal policy जिसमें हमारा budget आता है, export, import, exim policy जिसे कहते हैं, industrial policies, licensing policies, ये सारी budgetary policies, ये सारी policies जो economic policies होती हैं, जो कि government frame करती है, और ये affect करती है ultimately business को either in a positive way or a in a negative way. Okay, for example, liberation of the economy has adversely affected the small scale industry in India. जो liberation हुआ है business का, especially globalization and all these things, ये जो small scale हमारे industries हैं उनको उसने बहुत ज़्यादा affect करा है. Then comes economic systems. किस तरीके के economic system में है हमारा country, जो हमारी government है, whether it is a capitalist economy और इट इज अ सोशलिस्ट इकोनॉमी और इट इज अ मिक्सड इकोनॉमी विच कंस्टिट्यूट द फीचर ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड द मिक्सड इकोनॉमी. ओके, सो द फर्स्ट इज द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. एज यू नो दैट देयर एग्जिस्ट लीस्ट गवर्नमेंट कंट्रोल, लेसेज फेयर इकोनॉमी भी कहते हैं इसको, जहां पर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन मिनिमम होता है जस्ट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द बिजनेस मैन एंड द कस्टमर्स.
जैसे कि यूएसए की इकोनॉमी है हमारी. देन कम्स द सोशलिस्ट इकोनॉमी. सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है वो उसका मेजर कंट्रोल होता है बिजनेस एक्टिविटीज पे, जैसे कि चाइना में है, यूएसएसआर में है. मिक्स्ड इकोनॉमी, इट कंबाइंस द फीचर ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट एज दिस थिंग इज प्रिवेल्ड इन इंडिया ऑल्सो. एंड हेयर बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर्स प्ले एन इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल. देन द थर्ड मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर आफ्टर डेमोग्राफिक फैक्टर एंड द इकोनॉमिक फैक्टर इज द नेचुरल एनवायरमेंट और द इकोलॉजिकल एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस. इट इंक्लूड्स ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक वाटर, लैंड, आयरन, क्रूड ऑयल एक्सेट्रा. ऑल बिजनेस यूनिट्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द नेचुरल एनवायरमेंट ऑब्वियसली. तो जो हमारा बिजनेस है उसका जो भी ज्योग्राफिक लोकेशन है, जो उसका इकोलॉजिकल फैक्टर्स वहाँ पे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज, वेदर द इट इज अबाउट द वेदर एंड क्लाइमेट कंडीशंस, टोपोग्राफिक फैक्टर्स जैसे कि सॉइल और जो वाटर की कंडीशन है वहाँ पर, ठीक है, लोकेशन आस्पेक्ट जो है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में क्या है. तो ये सारे जो नेचुरल फैक्टर्स हैं ये हमारे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं अल्टीमेटली. ओके, सो दे शुड टेक नेसेसरी मेज. तो और जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं वो भी हमारे इकोलॉजिकल बैलेंस को क्या करिए, अफेक्ट करिए. और जितनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज लगते जा रही हैं उतनी ज़्यादा हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा है उससे. इसलिए जो बिजनेस है उनको देखना चाहिए कि देर शुड बी अ प्रॉपर कंट्रोल ओवर द पॉल्यूशन, वेदर इट इज़ एन एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, साउंड ऑब्वियसली साउंड पॉल्यूशन, और वेदर इट इज अ वाटर पॉल्यूशन. सो किसी भी प्रकार का अगर पॉल्यूशन है तो बिजनेस शुड सी दैट इट इज नॉट गोइंग टू हार्म द एनवायरमेंट, द नेचुरल एनवायरमेंट इन अ सिग्निफिकेंट वे. देन द फोर्थ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर इज द टेक्नोलॉजिकल फैक्टर. टेक्नोलॉजी इनेबल्स द एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज एंड नॉलेज इन टू द प्रैक्टिस. वी नो दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट मेक इट पॉसिबल टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट. जितने भी प्रोडक्ट इनोवेशन्स हो रहे हैं, इन्वेंशन्स हो रहे हैं, वो सब किसकी वजह से है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से है. और जितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है इसकी वजह से क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इम्प्रूव हो रहा है, जो हमारा क्वान्टिटी ऑफ आउटपुट है वो भी इंक्रीज हुआ है और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है, ठीक है. और अल्टीमेटली जो कस्टमर्स हैं उनको भी एक क्वालिटी प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस में टेक्नोलॉजी की वजह से मिल रहा है. बट द फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजीज मे ऑल्सो मेक प्रोडक्ट्स एंड प्लांट्स ऑब्सोलीट. लेकिन जितना जल्दी ये टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी हमारी मशीन्स यूज हो रही हैं, जो भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, प्रोडक्ट्स एंड प्लांट्स यूज हो रहे हैं, वो ऑब्सोलीट हो जा रहे हैं बहुत ही शॉर्टर टाइम में. और आपको पता है कि एक प्लांट मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट है इट इज़ अ लॉन्गर इन्वेस्टमेंट, इट इज़ अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, एटलीस्ट फॉर 10 to 20 years. और वो जो हमारा इन्वेस्टमेंट है टेक्नोलॉजिकल चेंज की वजह से उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ रही है. सो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आर रैपिड एंड टू कीप पेस विद इट बिजनेसमैन नीड टू बी अलर्ट एंड फ्लेक्सिबल इन ऑर्डर टू क्विकली इनकॉर्पोरेट दैम इन देयर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सो एज टू सर्वाइव एंड सक्सीड इन द कॉम्पिटेटिव बिजनेस वर्ल्ड. Then the next is the political environment. So this is also a very important macro factor of the business. It is the political environment. Political environment includes the reigning government, the reigning political party who is in the government system. Political and government environment are closely related with the economic system and policies. क्योंकि जो भी political party होगी वही economic policies बनाएगी, economic system को prevail वही party करेगी obviously. और जो हमारी economic condition है उसके लिए भी ultimately वही responsible है, because जो भी policies, rules, regulation वो frame कर रही है regarding the business activities तो obviously उस पर ही depend करेगा. Okay, so the business decisions are greatly influenced by the development in the political environment. क्योंकि जो हमारी political institutions हैं, जो भी political parties हैं वही legislatures बना रही हैं, जो भी नए acts बन रहे हैं business related, जो business को affect कर रहे हैं business laws. तो ultimately political environment plays a very important role in
the success of any business. Socio-cultural. Now the socio-cultural macroeconomic macro factors are the fabric within which a business has to work, because every society has its own culture, and the culture includes the values, belief systems, knowledge, art, morale, laws, customs, all these things, various habits of individuals as a member of society. So culture value are passed on from one generation to another, and this is because of this reason only there is a large number of people or a mass or a group of people who are maintaining the same culture generation by generation. Okay, so we have to take care of the cultural and religious values of the people, the socio-cultural values of the people, before launching a product in a particular society. Then comes the legal environment or the regulatory framework of the business. So legal environment includes the laws which define and protect the fundamental rights, individuals and organizations. It creates a framework of rules and regulations within which the business units have to operate. Okay. For example, जैसे Indian Companies Act है, Consumer Protection Act 1986 है, इसके बाद Competition Act आ गया था 2002 में, MRTP Act 1969 है, इसको रिप्लेस किया है Competition Act 2002 ने, then the Essential Commodity Act 1955, now in 2017 GST has been introduced in the business system, so the working of the business has largely affected by that new GST design. Okay, so the legal environment of business affect a lot. Then the mega environment. Mega environment means the international environment or the international factors which are very important in any business. If the business has to do with the foreign trading and all, then it is very important to be considered. For example, import and export dependency of the product, कि हम आप जिस product में deal कर रहे हैं, जो goods and services आप produce करके sell कर रहे हैं, उनका import या export तो नहीं हो रहा है. If it depends upon any kind of import of raw material or suppose export of the finished good, then it is very important to consider the foreign environment also. Then industries which directly depend on export, import or export. कुछ particular industries हैं जो directly import और export पर depend करती हैं. Import competing industries. Okay, a boom in the export market, change in government exim policy may encourage the export oriented industries. A liberalization of import may also help some industries while use imported items, but will also have an adverse impact on the competing industries. अगर हमारा country import को बहुत ज़्यादा promote करेगा, तो जो हमारी local industries हैं, specially जो small scale industries हैं, उसको वो बहुत ज़्यादा affect करेगा. ऐसे हमने FDI के case में भी देखा है, foreign direct investment. बहुत सारी companies जो हैं foreign companies, वो India में आके उन्होंने equity investment किया है. हैवी इन्वेस्टमेंट किया है, और इसकी वजह से बहुत सारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो लोकल काउंटर पार्ट थे, उनको बहुत लॉस हुआ है. देन कम्स द वर्ल्ड ट्रेड लिंकेज. ऑयल प्राइस हाइक्स हैव सीरियसली इम्पैक्टेड मैनी इकोनॉमीज, विच हैज फर्दर लीड टू एन इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइसेस ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज फर्टिलाइजर, सिंथेटिक फैब्रिक्स एक्सेट्रा. Such development affect the demand, consumption and investment patterns. तो जो oil price hike होता है, especially जो हमारी Gulf countries हैं, OPEC का जो group है, Organization of Petrol Exporting countries का, तो अगर उसमें उनका जो curtail है, अगर वो price hike करता है, तो उससे economies पे बहुत ज़्यादा effect पड़ता है. जो oil prices है, वो increase हो रही है, जिससे कि वो इंडस्ट्री जहां पे ऑयल को एज अ रॉ मटेरियल या इनडायरेक्ट मटेरियल यूज किया जा रहा है,
तो वहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा, जिससे प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, सिंथेटिक फैब्रिक्स हैं, जहाँ पे ऑयल को यूज किया जा रहा है एज एन इनडायरेक्ट मटीरियल और रॉ मटीरियल, तो वहां पर क्या होगा, डिमांड बहुत ज्यादा अफेक्ट होगी, कंजम्पशन पैटर्न लोगों का चेंज होगा, इन्वेस्टमेंट पैटर्न भी. सो दीज आर सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंट. ऑलरेडी फ्यू आर ऑलमोस्ट डिस्कस, लाइक इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पॉलिसी ऑफ अ कंट्री, रूल्स एंड रेगुलेशन लेड डाउन बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक एक्सेट्रा, द पॉलिसीज ऑफ ट्रेडिंग ब्लॉक्स, जो हमारे ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, जैसे कि SAARC है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉपरेशन, EEC है, ASEAN है, ये सब जो हमारे ट्रेडिंग ब्लॉक्स हैं, इनकी पॉलिसीज पर भी हमारा जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो अफेक्ट कर रहा है. फॉरेन चेंज रेगुलेशन लाइक टैरिफ एंड कोटास, ट्रेड साइकिल लाइक बूम रिसेशन एट वर्ल्ड लेवल. ओके, तो अभी ओवरऑल वर्ल्ड में क्या चल रहा है उस पर भी डिपेंड करेगा कि हमारा बिजनेस जो है वो कैसा चलेगा. मतलब बिजनेस को, ये जो हमारी बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल है, ऑब्वियसली वो अल्टीमेटली उसको अफेक्ट करेगी. देन लेट अस डिस्कस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ एनवायरमेंटल अप्रेजल. जो हम स्टडी कर रहे हैं बिजनेस एनवायरमेंट को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में, बिजनेस पॉलिसीज को फ्रेम करने में, उसमें एनवायरमेंटल अप्रेजल का या बिजनेस एनवायरमेंट का की स्टडी का क्या रोल है. सो फर्स्ट इज, इन ऑर्डर टू फ्रेम द पॉलिसीज, इट हेल्प्स इन फ्रेमिंग ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरमेंटल फैक्टर्स. सेकेंड इज एंश्योरिंग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर स्ट्रेटेजी एंड फॉर्मुलेट काउंटर मेजर्स. फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर कॉम्पिटिटर कोई प्राइस जो है प्राइस पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, तो सिमिलरली देयर मे बी अ प्राइस वॉर ऑल्सो बिटवीन द कॉम्पिटिटर्स. कीप बिजनेस डायनामिक एंड इनोवेटिव, प्रोवाइड इनपुट फॉर डिसीजन मेकिंग, फाइंड आउट द स्ट्रेंथ ऑफ बिजनेस, आइडेंटिफाई वीकनेसेस ऑफ बिजनेस, फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू द बिजनेस. ऑल्सो इट हेल्प्स इन identifying the threats posed to the business by the external environment, like all the political, legal, economic and demographic factors, technological factors. Know the internal environment of the business to understand market conditions. Adjust with technological advancements to understand international events and their impact on the business. To understand economic policies of government and their impact on the business, to understand political situation and its effect on business, foresee the impact of socio-cultural factors. See, it is very easy to write the answer of this question, that is the significance or say the need of or the benefits of environmental appraisal in strategic management. जितना कुछ आपने macro या माइक्रो एनवायरनमेंट में पढ़ा या इंटरनल एनवायरनमेंट में इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में पढ़ा है, उन सब के जो बेनिफिट्स हैं वो आप यहाँ पर लिख देंगे. जो कुछ तो आपके यही हो गए, आपका फ्रेमिंग पॉलिसीज ये तो कुछ डिफरेंट है, बट कुछ जहां पे इंटरनल एनवायरनमेंट की बात आती है तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को फाइंड आउट करते हैं देखिए हम, और जहां पर बात आती है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तो अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स को कंसिडर करते हैं बिजनेस के. ओके, फिर उसके बाद ये जितने मैक्रो फैक्टर्स मैंने आज आपको बताए, मार्केट कंडीशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गया, इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गई, पॉलिटिकल सिचुएशन, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स, ये सब कुछ आप इसमें लिख देंगे. सो इट इज वेरी इजी टू राइट डाउन दिस आंसर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द एनवायरमेंटल अप्रेजल. ओके, सो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द प्रॉब्लम और द इश्यूज इन अंडरस्टैंडिंग द एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस. So the issues relating to the business environment opens more challenges for managers, making decision making more difficult. तो अगर कोई पर्टिकुलर बिजनेस मैनेजर इन सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अपना कोई डिसीजन ले तो इट्स वेरी टफ टू कंसिडर ऑल द फैक्टर्स टूगेदर.
कि एक ऐसा ऑप्टिमम डिसीजन लेना जिसमें आप सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए ले रहे हो, तो इट बिकम्स वेरी टफ. मैनेजर्स वाइल मेकिंग डिसीजन हैव टू कंसीव ऑल द पॉसिबल एनवायरमेंटल इश्यूज इन्फ्लुएंसेस. हाउ एवर गेटिंग एन ओवरऑल पिक्चर ऑफ द होल बिजनेस एनवायरमेंट इज अ टीडियस टास्क. और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ठीक है वो सारे फैक्टर्स कंसिडर भी करके ले लेगा डिसीजन, विच इज अ वेरी टफ थिंग, बट द क्वेश्चन इज हाउ ही इज गोइंग टू एनालाइज और स्कैन द होल बिजनेस सिनेरियो. इट इज अ वेरी टीडियस, वेरी हार्ड, वेरी टाइम टेकिंग टास्क. एंड द सेकेंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय मैनेजर इज ऑफ अनसर्टिनिटी. सी आपने जो आपका करंट बिजनेस सिनेरियो है, सपोज वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस कोविड पेंडेमिक सिचुएशन, इसकी वजह से बहुत सारे बिजनेसेस को जिसने कि हार्ड हिट किया है, बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हुए हैं, जीडीपी हमारी नेगेटिव चले गई है, ये सब चीजें हुई हैं. तो अगर कोई पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए अपने डिसीजंस लेता है, बट सपोज 2-3 मंथ्स में जो भी बिजनेस पॉलिसी बनाई है वो एक लॉन्ग टर्म 2-3 ईयर्स के लिए बन गई है या आगे तक के लिए बन गई है. अभी सपोज 2-3 मंथ्स में कोई वैक्सीन डेवलप हो जाती है, सब बिजनेस में कुछ सडन पॉजिटिव चेंजेस आ जाते हैं, तो दैट पॉलिसी मे बी कॉस्टली फॉर द कंपनी. सो दिस वे द मैनेजर फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ अनसर्टेनिटी. जैसे कि अभी कोविड की सिचुएशन है, अनसर्टेन है, अगर आए वैक्सीन तो अभी मे बी इस मंथ के एंड में भी कुछ ऐसा डिस्कवर हो जाए, कुछ नया इन्वेंट हो जाए, बट अगर नहीं आई तो पता नहीं कब तक नहीं आएगी. और बिजनेस सिचुएशन, हमारी जो बिजनेस है वो वैसे ही चलता रहेगा, हमारी जो भी इकोनॉमी है वो वैसे ही प्रिवेल करेगी. वाइल द मैनेजमेंट एंड मैनेजर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी वेल अवेयर ऑफ एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजीज, बट इन रियलिटी दीज चेंजेस आर हैपनिंग एट अ फास्टर पेस देन एवर बिफोर. तो जैसे कि मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया, इसके साथ ही टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज अ वेरी अनसर्टेन फैक्टर, क्योंकि बहुत तेजी से चेंज हो रही है. अभी जो बिजनेस डिसीजन आप ले रहे हो, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो करंट टेक्नोलॉजी और करंट डिमांड को ध्यान में रखते हुए कर रहे हो, बट एज द थिंग्स कीप ऑन चेंजिंग वेरी फास्टली, द प्लांट इक्विपमेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स अगेन हैव टू बी चेंज टू कीप पेस विद द चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट. सो मैनेजर्स ऑलवेज आर ट्राइंग टू डेवलप बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवेंट्स टेकिंग प्लेस इन फ्यूचर in the external environment in order to avoid the uncertainty. So student, here in this lecture we have studied about the macro environment of the business, which is also known as the general environment, in which we have discussed about the demographic factor related to the population's characteristics and their dependency and their effect on the demand of the products and on the business ultimately. Then the economic factors, which include the economic conditions, economic policies, economic systems. Then we discussed about the natural environment of the business and how they affect the business, and how our business organizations, the industries, are affecting the natural ecological environment of the world. Then the technological factors and their effect on the business, then political factors, socio-cultural factors, legal environment of the business, mega environment which included the international factors of the business like import and export policies, rules, regulation of the international financial institutions like IMF, World Bank, policies of trading bloc like SAARC, ASEAN, etc. Then foreign exchange regulations like tariffs, quotas, etc. Then the business cycle. Then we studied what are the significance, needs, or the benefit of environmental appraisal in strategic management, and how it is about to be remembered. कैसे आप लोग इसे याद रखेंगे? मैंने उसकी ट्रिक भी आपको बताई है इसमें. Then the problem in understanding the environment influence. ये सब कुछ हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया. दिस इज द लिंक वेयर यू कैन गेट द नोट्स, एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू मेक अ गूगल क्लास रूम ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट वेयर यू विल गेट ऑल द नोट्स. सो कीप स्टडिंग, कीप टेकिंग द असेसमेंट टेस्ट एंड डूइंग द असाइनमेंट्स टाइमली एंड सबमिटिंग दैम. थैंक यू स्टूडेंट्स.